लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली नई वीआईपी नॉनस्टॉप ट्रेन जिला एक्सप्रेस पर 5% रियायत का फैसला किया गया है। ट्रेन के रवानगी से 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 5% रियायत दी जाएगी। 11 अप्रैल से इस पर अमल दरामद शुरू होगा। लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली नई वीआईपी नॉनस्टॉप ट्रेन जिला एक्सप्रेस पर 5% रियायत का फैसला किया गया है। ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 5% रियायत दी जाएगी और इसका ये सिलसिला 11 अप्रैल से शुरू होगा। ट्रेन की रवानगी से 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 5% रियायत दी जाएगी। 11 अप्रैल से इस पर अमल दरामद होगा। लाहौर से कराची के दरमियान चलने वाली नई वीआईपी नॉनस्टॉप ट्रेन जिना एक्सप्रेस पर 5% रियायत का फैसला किया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राना फहद से। राना फहद बताइएगा। जी बिल्कुल, वजीर रेलवे शेख रशीद की हिदायत पर नई वीवीआईपी ट्रेन जिना एक्सप्रेस के किरायों में रियायत का जो है वो ऐलान किया गया है। रेलवे इंतजामिया ने लाहौर कैंट से कराची कैंट के दरमियान चलने वाली नई वीवीआईपी नॉनस्टॉप ट्रेन जिना एक्सप्रेस की रवानगी से 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 5% रियायत देने का फैसला किया है। 5% रियायत की सहूलत से हर मुसाफिर जो इस ट्रेन की जो है वो रवानगी से कबल 48 घंटे पहले रिजर्वेशन करवाता है, इसे 6,500 की बजाय 6,200 रुपए जो है वो किराया अदा करना पड़ेगा। 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 300 रुपए की बचत होगी, जबकि हैदराबाद से कराची कैंट का मुकम्मल और हाफ किराया जो है वो 1,350 रुपए मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ 48 घंटे पहले बच्चे की सीट रिजर्व करवाने पर 4,900 रुपए की बजाय 3,000 रुपए अदा करना पड़ेंगे। बच्चे के लिए हाफ टिकट की रिजर्वेशन जो है वो उस पर 1,900 रुपए कम जो है वो सार्फिन को अदा करने पड़ेंगे, जबकि मुसाफिरों के लिए बच्चे की रिजर्वेशन पर दी जाने वाली रियायत सिर्फ एक माह के लिए यानी 10 मई 2019 तक होगी और नए फैसले पर अमल दरामद जो है वो 11 अप्रैल 2019 से शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राना फहद। 48 घंटे पहले बुकिंग करवाने पर 5% रियायत दी जाएगी और इस पर अमल दरामद 11 अप्रैल से होगा। नई वीआईपी ट्रेन जो जिना एक्सप्रेस चलाई गई लाहौर से कराची के दरमियान, अब इस पर 5% रियायत दी जाएगी। इंतजामिया की जानिब से ये फैसला किया गया है।